assurance. एक्सप्रेशन फॉर प्रोग्रेसिव वे. अरे क्या बात है, फाइन. अच्छा वो कॉलेज में लेक्चर्स थे स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन फॉर प्रोग्रेसिव मैंने दे दिया था स्टूडेंट्स. ओके फाइन 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 फाइन. ओके नाउ वी गो विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स, मैंने एक्सप्रेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव दे दिया स्टूडेंट्स. सो नाउ वी कैन गो विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर्स ऑन व्हिच वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स स्टूडेंट्स. ओके अभी वापस मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव अगर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स तो आंसर सुनना स्टूडेंट्स. द इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव स्टूडेंट्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इट्स y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स. फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना इक्वेशन, ये तुम्हारा किसका है, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. एग्रीड फ्रेंड्स? फ्रेंड्स मुझे बताओ फ्रेंड्स, क्या तुम मुझे बता सकते हो What is sine of a plus b, students? What is sine of a plus b and sine of a minus b, students? What is sine of a plus b and sine of a minus b? हेलो रिया, तुम हो इसलिए लेक्चर से, सच्ची में बोल रहा रिया. रिया थैंक्स अ लॉट, सच्ची मैंने बहुत पुण्य के काम किए होंगे कि मुझे तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मिला. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर तुम नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दीवारों को सिखा रहा हूँ. I'm teaching to walls. That's why students, I get scared when I come for offline. मुझे बहुत डर लगता है कि मैं offline आऊँगा तो मैं किसको सिखाऊंगा करके वहाँ पे. अभी next time हम लोग ऐसे lectures देते हैं students, अगर तुम लोग reply नहीं किया ना तो I'll look at the walls and I'll teach. मुझे बता रही है इसका आंसर क्या होगा, sine of a minus b? Sine a cos b minus cos a sine b. Very good, very good. स्टूडेंट्स ये मैंने क्यों लिखा मालूम है, रीजन क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो तुम्हारा इक्वेशन है वाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स स्टूडेंट्स, या तो तुम ओमेगा टी आगे लिखो के एक्स पीछे लिखो, या के एक्स आगे लिखो ओमेगा टी पीछे लिखो, नथिंग टू वरी अबाउट इट. सिर्फ तुम्हें माइनस और प्लस का ध्यान रखना है बस स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना. आर यू गेटिंग इट? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन दैट केस. ओके इट्स ओनली दैट योर टर्म्स गेट चेंज, तुम्हारा जो कंपोनेंट होगा माइनस में आएगा या प्लस में आएगा आगे वाला, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम्हारा ये तो नेगेटिव साइन है ना स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या दिखाता है, ये जो नेगेटिव साइन दिखाता है वेव इज प्रोपोगेटिंग, वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. It shows the students, ये जो negative sign दिखाता है कि wave is propagating along positive x-axis students, और ये जो positive sign दिखाता है wave propagating along negative x-axis. क्या ये clear हुआ students? हाँ students clear हुआ? Yes, sir. See, two students have said yes because they have heard me very clearly. But the rest of the students are still not because board दिख भी नहीं रहा है students, वो ऊपर वाली line दिख ही नहीं रही है, फिर भी कोई कोई बोलता नहीं है कि सर हमें ऊपर वाला नहीं दिख रहा है ना. See, this is the problem with the students. अभी clear है students? Video clear है? Yes, sir. स्टूडेंट्स ये क्या है मालूम है, ये क्या बताता है मालूम है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बताता है मालूम है, ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव दिखा रहा है स्टूडेंट्स. अभी देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैंने वेव को प्रोपोगेट करा है स्टूडेंट्स,
still I'm speaking about students equation of a progressive wave ke bare mein aur information de raha students agar maine bola ki yahan pe wave propagate ho raha students and the wave is propagating along positive x axis and the wave is propagating along negative x axis students ye hai displacement of particle yani y kya dikhata hai students agar main equation likho y is equal to a sin omega t प्लस और माइनस की एक्स तो स्टूडेंट्स हर एक चीज का मैंने मतलब बताया था होप यू रिमेम्बर कुछ याद आ रहा है वाई का मतलब क्या था स्टूडेंट्स वाई बता रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टूडेंट्स स्पीकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पार्टिकल कहाँ की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई एक्सिस देखो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है ना वाई एक्सिस के ऊपर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये वेवफॉर्म का एग्जाम्पल क्या मालूम है थिंक एज इफ देयर इज अ स्टेशनरी पूल स्टूडेंट्स एक लेक है या पूल है ओके जहाँ पे पानी एकदम शांत है स्टिल वाटर ओके स्टिल वाटर और फिर अगर उसमें मैंने स्टोन को ड्रॉप कर दिया स्टूडेंट्स तो क्या होगा जहां पे मैंने स्टोन को ड्रॉप किया वो ये पॉइंट है और वहां से तुम्हारे रिपल्स फॉर्म होंगे वेव फॉर्म्स होंगे वो वेव फॉर्म सारी जगह पे जाते हैं तो ऐसे मैंने दो वेव फॉर्म लिए स्टूडेंट्स अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन एक को मैंने पॉजिटिव एक्स ले लिया एक को मैंने नेगेटिव एक्स ले लिया है ना तो ये y क्या दिखा था मालूम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टूडेंट्स अगर y बताता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल तो यहाँ पे जो x है वो क्या दिखाता है प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये ध्यान रखना प्रोपोगेशन ऑफ वेव पॉजिटिव साइन दिखाता है कि वो वेव नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है और नेगेटिव साइन दिखाता है वो वेव पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है यानी अगर सपोज तुमने ये पार्टिकल यहाँ पे लिया एक पार्टिकल यहाँ पे लिया स्टूडेंट ध्यान से सुनना ये पार्टिकल पी यहाँ पे ये पी वन है और पी टू है स्टूडेंट मुझे बताओ पी के बाद में दोनों तरफ है पार्टिकल्स मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स पी वन और पी टू है तो किसको एनर्जी पहले मिलेगी हाँ स्टूडेंट्स जब भी मैंने स्टोन को मैंने ड्रॉप किया एट पॉइंट पी तो हु विल रिसीव द एनर्जी फर्स्ट विल पी वन रिसीव द एनर्जी फर्स्ट और पी टू विल रिसीव द एनर्जी फर्स्ट स्टूडेंट्स किसको एनर्जी पहले मिलेगी P1 को मिलेगी और कुछ टाइम के बाद में P2 को एनर्जी मिलेगी है ना तो कहना इसे P1 का जो फेज है वो क्या P2 से लीड करता है आगे की तरफ या लैग करता है मैंने दो वर्ड्स लिए डज द फेज ऑफ P1 लीड्स P2 या लैग्स पी टू फेज क्या है लीड कर रहा है या लैग कर रहा है सर इसका मतलब क्या है लीड अच्छा आगे है या पीछे है फेज अभी देखना सिंपल है वेव फॉर्म देखना यार ये देखना ये पी वन है और ये पी टू है इसका फेज तू ले पाई बाई टू ये जीरो था कुछ याद आ रहा वेव के अंदर मैंने बता दिया था एंगल्स बताया था क्या मतलब बताया था मैंने कॉलेज में था अभी लेक्चर्स कॉलेज में लिए थे मैं खुद परेशान हो रहा था कुछ मुझे खुद पता नहीं चला कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे आई डोंट नो अबाउट इट हाउ डू यू फील ऑफलाइन लेक्चर्स इज कम्पेयर टू ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफलाइन के अंदर तो आए या तुम लोग को तो मुझे डर लगता है ऐसा लगता है तुम लोग से ऑफलाइन में सारे खतरनाक लोग बैठे हुए रहते हैं है ना P1 को एनर्जी पहले मिलती थी ना 1 पाई बाई 2 ये 2 पाई बाई 2 ये 3 पाई बाई 2 ये 4 पाई बाई 2 ये 5 पाई बाई 2 तो देखो कहने से इसका फेज P1 का फेज लैग्स P2 बाय अ सर्टेन फेज डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस इन फेज 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 4 पाई बाई 2 2 पाई रेडियंस आया ना हाँ स्टूडेंट्स दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई है कि नहीं है मम्मा देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कि कितना बदल गया इंसान सूरज न देखा ना देखा रे आसमां क्या हो गया स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या
पहले पार्टिकल P1 को एनर्जी मिल रही है, कुछ टाइम के बाद में P2 को एनर्जी मिल रही है, और मैंने बता दिया था कि व्हाट एग्जैक्टली फेज ऑफ अ पार्टिकल, फेज स्पीक्स अबाउट स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। अगर मैंने बता दिया कि फेज 5/2 है तो पार्टिकल उस टाइम पे कहाँ पे है, 5/2 तो पार्टिकल कहाँ पे है, तो एवरी पार्टिकल P1 लैग्स, लैग्स, ये नेगेटिव साइन है ना, उसको हम बोलते हैं लैग्स। P1 lags behind P2 by a constant phase difference. तभी जाके स्टूडेंट ये जो K है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट। फ्रेंड्स ये क्या है, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट। अगर किसी ने पूछा K का फॉर्मूला क्या है, 2π/λ स्टूडेंट्स, और इसका यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स। स्टूडेंट्स 2π/λ वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ए का मतलब क्या हो जाएगा सर, ए का मतलब एम्पलीट्यूड, साइन का मतलब पार्टिकल एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है, ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो 2πf लिख सकते हो या 2π/T लिखोगे, टी का मतलब क्या, टाइम इंस्टेंट, नेगेटिव साइन का भी यूज करोगे तभी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, है ना। ओ तरंग भाई, तरंग भाई म्यूट करो। ओके, नेगेटिव साइन किस तरफ होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव साइन किस तरफ होगा, वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। के का मतलब क्या है, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट 2π/λ, एक्स क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये किसका इक्वेशन दिया मैंने, तो तुम तुरंत बोलोगे सर ट्रांसवर्स वेव। क्यों ट्रांसवर्स वेव बोलोगे, तो तुम देखोगे सर y डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है जो y एक्सिस पे जा रहा है, वेव किस तरफ जा रहा है, x एक्सिस पे जा रहा है। अगर पार्टिकल वेव से परपेंडिकुलर होगा तो ट्रांसवर्स वेव। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, आई गेटिंग इट स्टूडेंट्स? It's only the house understanding students. What about the rest of the students? There are 23 students, 22 students. Danish, are you getting it? Danish, Richa, Parth, Nayan, Aryan, Takshraj, Sharia. Yes, okay. Nayan, it's answering. It seems like that. Harsh. Yes, sir. Okay. Chai Patel, Krishna Kawa, Mahek, Richa, yes, sir. Hey, Sujini is there, but Sujini is sleeping. Sujini, are you there? Sujini is not there. Yes, sir. तो क्या हो गया, तुम reply करना बंद कर दिए? किसने बोला reply नहीं करना, बंद कर दिए? पापा ने बोला। travel कर रही हूँ। हाँ? क्या कर रहे हो? Sir, actually travel कर रही हूँ मैं। ट्रैवल कर रहे हो? तरंग, वेदांत, विशाल बोल रहा था, फाइन, विवेक नहीं बोल रहे, ब्रजेश, शुभम। अब ये आयन कौन है, आयन, आयन किधर गया, आयन? हाँ ये आयन कौन है भाई, आयन इट सीम्स यू आर नॉट इन द लेक्चर, रिप्लाई करो भाई, क्या यू विल बी आउट ऑफ लेक्चर, प्लीज रिप्लाई फास्ट आयन सर। हाँ बोलो सर, ये जो मतलब आप ये जैसे 5π/2 लिखे, मतलब सर ये जो 3, मतलब आपने जो बताया था जो ये वेव जो बनते हो 360 डिग्री बनते हैं, तो सर आप ये डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि 5π/2 मतलब वो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है इसे? हाँ, क्योंकि वेव तो आगे की तरह है तो पार्टिकल तो वेव फॉर्म में जाएगा ना, तो उसका वेव फॉर्म मेरे वापस रिपीटेशन होगा साइकिल में। अच्छा, है ना, वापस रिपीटेशन होगा ना सर। जो आप वेव का निकाल रहे हो वो लाइन पे रहेगा ना, मतलब वो जो एक्स एक्सिस पे रहेगा ना जो ये वेव ऐसा ट्रेवल कर रहा है? वेव तो एक्स एक्सिस पे जा रहा है, वेव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है। और अभी आगे सपोज तुमने पानी को देखा, अगर तुम सपोज इसको मीडियम वाटर समझ दो, तो वाटर के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स है, लेकिन पार्टिकल्स थोड़े से अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है। अभी सपोज मैं P1 यहाँ पे लू और मैं बोलू की P2 यहाँ पे, ये P2 यहाँ पे, तो पहले इसको एनर्जी मिलेगी, कुछ टाइम के बाद में एनर्जी इसको देगा, फिर कुछ टाइम के बाद में एनर्जी इसको देगा, कुछ टाइम के बाद में इसको। लेकिन अगर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ये भी पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये भी पॉजिटिव एक्सट्रीम है ना, तो दोनों के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा,
तो ये पार्टिकल की पीछे है बाय अ सर्टेन फेज, कितना पीछे है? 2 पाई से पीछे है, ठीक है? तो लैग को हम बताते हैं विद नेगेटिव साइन। तो ये बताता है कि नेगेटिव साइन का मतलब वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव साइन का मतलब वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो जब भी तुम प्रोग्रेसिव इक्वेशन देखते हो ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा ये सारे चीजें ध्यान में रखना, वाई का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, साइन का मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, टी का मतलब उस टाइम पे उस इंस्टेंट पे पार्टिकल कहाँ पे है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। कैन आई इरेज दिस वन स्टूडेंट्स? इसको इरेज कर दो स्टूडेंट्स अभी। सर वेट। ओके फाइन। नाइन, वेरी गुड नाइन, गुड बॉय। अरे वो हर्ष दर्जी था क्या? दर्जी है क्या? हर्ष दर्जी तो दर्जी था ना? तुम्हारा नाम दर्जी है ना? हर्ष। हाँ सर। अच्छा तो सरनेम क्यों निकाल दिया? आई एम हैप्पी दैट यू आर प्रेजेंट इन द लेक्चर्स हर्ष, वेरी गुड। बिंदास अटेंड करने का, डरने का नहीं किसी से, समझ में आ रहा है? कोई भी टीचर को डरने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के बारे में अगर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, है ना? अगर ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर ध्यान दिया और फिर भी समझ में नहीं आया तो बिंदास पूछने का ना सर कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नाउ सी जस्ट नाउ समबडी आस्क मी, आई डिडंट सी हिज नेम, बट समबडी आस्क मी, दैट इज फाइन इनफ विद इट। क्या मैं उसके ऊपर गुस्सा हुआ क्या? नहीं। अरे नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया भाई, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई इट आउट, दैट इज वॉट माई इंटेंशन इज। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे स्टूडेंट्स तो नहीं होगा। और जैसे जैसे आगे जाओगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ेंगे तो परफॉर्मेंस कम होगा, एंड वी डोंट वॉन्ट, IIT and Hub doesn't want that the performance should go down of the students. You want more students from your college to enter into IIT and Hubs. अभी तो 11th है, मुझे तो चाहिए कि more students can come into 12th also. तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ऑफ कोर्स मोर स्टूडेंट्स विल आस्क यू। ओके क्या मैं इरेज कर दूं? स्टूडेंट्स यस सर। Okay, students. Now I gave you the formula for displacement of a particle. Okay, performing wave motion and progressive wave. I gave you the example, students. How अभी हम करेंगे students speed of traveling wave. स्टूडेंट्स अभी हम समझेंगे स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। स्टूडेंट्स तो अगर किसी ने बोला स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, अगर मैं बताऊं स्टूडेंट्स स्पीड, जस्ट होल्ड अप स्टूडेंट्स, स्पीड
फ्रेंड्स समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? फ्रेंड्स इलास्टिसिटी इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, लेस इन लिक्विड्स. फ्रेंड्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, लेस इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन गैसेस. फ्रेंड्स the first person to put forward is Newton's formula. Students, we have Newton's formula. For velocity of sound, students, in gases. And Newton ne kya bola hamare students, velocity of sound in gases is given by the formula under root K isothermal. By rho. Students, formula for velocity of sound is enough. Formula for velocity of sound is equal to E by rho. Students, E ka matlab elasticity of the medium, rho is density of the medium. Students, elasticity of the medium and density of the medium. And students, you all have learned about mechanical properties of solids. Haan, students, padhai ki nahi padha? Haan, students? Yes, नहीं पढ़ा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स नहीं तो यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आया ना तो आई कैन कंसीडर दिस बल्क मॉडुलस को हम क्या लेते हैं क्योंकि गैसेस के अंदर स्टूडेंट्स गैसेस के अंदर हम क्या लेते हैं बल्क मॉडुलस लेते हैं वॉल्यूम इलास्टिसिटी लेते हैं वहां पे इलास्टिक कॉन्स्टेंट हम क्या लेते हैं रो इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय न्यूटन के हिसाब से स्टूडेंट्स अंडर रूट के बाय रो है और के आइसो बाय रो इज सिंपली कॉल्ड एज प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स अपॉन डेंसिटी और स्टूडेंट्स ये जो प्रेशर है ना स्टूडेंट्स ये जो प्रेशर है ना ये कौन सा प्रेशर है एटमोस्फेरिक प्रेशर सी लेवल स्टूडेंट्स एज पर न्यूटन ये कौन सा एटमोस्फेरिक प्रेशर है एटमोस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है एच DG, density of mercury. Yeah, density of mercury, students. What is the height of the liquid, height of the mercury column, students, at sea level? 0.76 meter. What is density of mercury, students? 13,600 kilogram per meter cube. Into gravitational acceleration, 9.0 meter per second square. Agar ye value main numerator mein dalta hu, and density of air, students, density of air, agar main NKS mein leta hu, 1.293. किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एज पर न्यूटन एज पर सर आइज़ैक न्यूटन क्या मिला मालूम है ही गॉट द आंसर एज 279.9 मीटर पर सेकेंड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टूडेंट्स क्या ये वैल्यू इज इट क्लोजर टू 331.5 मीटर पर सेकेंड विच इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस और ये कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट्स कुछ पता है मैंने बताया था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे फिजिसिस्ट तो उस टाइम पे उन्होंने वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या मिला 331 यानी स्टूडेंट सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करने के लिए किस फिजिसिस्ट ने इन्वेंट किया था न्यूटन ने ये फॉर्मूला वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाय रो एक फॉर्मूला दे दिया था ये एक्चुअली है न्यूटन्स फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये है न्यूटन्स फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला सही जा रहा था ये फॉर्मूला दिस फॉर्मूला वेंट करेक्ट ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स इट वेंट करेक्ट फॉर सॉलिड्स फ्यू लिक्विड्स लेकिन जब गैसेस के लिए चला गया है ना तो गैसेस के लिए गलत हो गया स्टूडेंट्स ये इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम इलास्टिसिटी फॉर गैसेस क्या आइसो ले लिया ये आइसो के उन्होंने पी ले लिया और पी कौन सा ले लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया ये क्या हाइट ऑफ मर्करी कॉलम 0.76 मीटर ये क्या है डेंसिटी ऑफ मर्करी ये क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेंसिटी ऑफ एयर तो वेलोसिटी ऑफ साउंड उसको कितना मिला 279.9 एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर
क्या वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के नजदीक है? कहां पे भी नजदीक दिखाई दे रहा है, कहां 279 और कहां 331, यानी कहां 280 और कहां पे 332, ये तो वास्ट डिफरेंस हो गया। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी न्यूटन ने जब ये फॉर्मूला डिराइव किया ना स्टूडेंट्स, सॉलिड्स के लिए सही बैठ गया था ये फॉर्मूला, सॉलिड्स के लिए उसको सही आंसर मिलने लगा, लिक्विड्स के लिए उसको सही है, लेकिन जब गैसेस में इंट्रोड्यूस किया तो गैसेस में गड़बड़ हो गई। एग्जाम्पल, अगर मैं सॉलिड्स के लिए एग्जाम्पल लू स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, व्हिच इंस्ट्रूमेंट्स, is given by the formula under root T by mu. Friends, what's the formula for velocity of sound in string instruments? Under root T by mu. T का मतलब क्या है? Tension. Tension का मतलब क्या है? Force. Mu का मतलब क्या है? Mass per unit length. जिसको हम नाम देते हैं linear density. स्टूडेंट्स, ये किसके लिए मैंने दिया है, ये किसके लिए मैंने फॉर्मूला दिया है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, तुम गिटार का एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स, गो फॉर स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार के अंदर इज देयर एनी टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार? स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स, इज द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इज having some tension? Students, बता सकते हो? Students, क्या string of a guitar? String of a guitar is under tension. Tension का मतलब क्या? Force. अरे कभी string देखा नहीं क्या गिटार का यार? See यार, this is really ridiculous यार. This is something I really don't appreciate. What your parents are doing यार? This is something wrong. None of your parents are sitting beside you to check on to you whether why you are studying or you are just fooling around. When somebody is raising questions, you are not answering also, you are not replying. When I say tension in the guitar, that means I said it's a stretch force. गिटार को देखा नहीं, एक एंड एक वायर को एकदम प्लग करके उसको टाइट किया, दूसरी तरफ स्क्रू के हिसाब से एकदम टाइट कर रहे हैं, और फिर उसको प्लग करोगे तो आवाज देता है, तो दोनों तरफ एक टेंशन आ गया। स्कूल में खेले नहीं हो गया, गिटार नहीं बजाया कभी स्कूल में, कंपास बॉक्स लिया होगा, एक दो अगर शार्पनर होता तो शार्पनर लेते, एक साइड इरेजर रखते, एक साइड शार्पनर रखते, और रबर बैंड को स्ट्रेच करते और फिर अपने उंगली से ऐसे घुमाते रहते थे, हाँ, तो टेंशन नहीं क्रिएट किया तो तुम लोग रबर बैंड के अंदर। और नीचे क्या है? म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। वही रबर बैंड जो तुमने कंपास बॉक्स पे स्ट्रेच किया है उसका मास डिवाइडेड बाय लेंथ, वो डिनोमिनेटर आ गया। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला न्यूटन ने बताया, यहां से ये फॉर्मूला, और वो सॉलिड्स के लिए सही गया, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एकदम सही तरीके से बैठ गया। लेकिन जब गैसेस में गया यही फॉर्मूला लेते हुए, तो ही सेड इट दैट इट्स क्या इज मेथोबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन डेंसिटी, तभी गलत गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया, देयर इज एन एरर, एरर ऑफ ऑलमोस्ट 16% का एरर हो गया। यानी या तो एक्सपेरिमेंट किसी ने किया वो रॉन्ग किया है, या तो न्यूटन गलत था, है ना? दो चीज पॉसिबल है, या तो एक्सपेरिमेंट सही नहीं है, या तो न्यूटन गलत है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सही था, न्यूटन गलत जा रहा था, क्योंकि न्यूटन ने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स एंड गैसेस इज के आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कंडीशन का भी यूज होता है स्टूडेंट्स, बताओ स्टूडेंट्स, वेरी एग्जैक्टली यू विल कंसीडर द कंडीशन टू बी आइसोथर्मल इन गैसेस। स्टूडेंट्स, इतना तो पढ़ा है ना स्टूडेंट्स, कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल इन गैसेस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा?
आइसोथर्मल नहीं पढ़ा, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, और स्टूडेंट्स ये सब नहीं पढ़ा तुम लोगों ने केमिस्ट्री में? स्टूडेंट्स पूछ रहा हूँ, नहीं पढ़ा? तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? रिया आई देयर? रिया रिया आई देयर? रिया रिया मुझे बताओ, इन अदर फिजिक्स आल्सो हाउ द स्टूडेंट्स, डू द स्टूडेंट्स गिव रिप्लाई? हाँ, एंड इफ सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिप्लाई? नहीं देते सर कोई रिप्लाई. क्या बोल रहे हो? तो कोई कुछ नहीं बोलता बाकी के लेक्चर्स में भी. बाकी लेक्चर्स में भी कोई नहीं बोलता? हाँ सर, सिर्फ केमिस्ट्री के लेक्चर में सब रिस्पॉन्ड करते हैं. केमिस्ट्री के लेक्चर्स में ही सब रिस्पॉन्ड, मतलब आंसर वगैरह देते हैं सर. अच्छा, है उनको केमिस्ट्री आता है फिजिक्स नहीं आता है, ऐसा है? हाँ so something ridiculous here. I need to call students. Now listen very carefully students. Next lecture jab bhi main lunga na students, I'll call your parents and I want to meet your parents and I'm going to have a serious complaint to the parents. Big serious complaint I'm going to put across to your parents and I'm going to tell them very clearly ki forget about online, offline maybe students waise hi hai. Aap saath mein aake lectures mein baitho aur dekho aapke bacche kya kar rahe hain. ना ही वो पढ़ते हैं, पढ़े बिगर आते हैं, ना ही रिप्लाई करते हैं. समझ में आया तो भी हाँ नहीं बोलते, समझ में नहीं आया तो भी कुछ नहीं बोलते. व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? अगर वैसे रहा स्टूडेंट्स तो यू आर गोइंग टू रियली गोइंग टू गो नो मार्क्स यू विल बी स्कोरिंग इन टू इट. नुकसान किसका है? इतना भी स्मार्ट नहीं बनते हो. मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि सर मुझे रिया को ही पढ़ाना चाहिए सेपरेटली. रिया ऐसा करता हूँ करके, अभी मैं सिर्फ तुम्हें ही पढ़ाऊंगा. एक आईटेन अप की तरफ से मैं बोलता हूँ करके, सर को मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ाता हूँ साइड पे और तुम अकेले पढ़ो करके. एंड विल डू फिजिक्स मोर फास्टर, मच मोर बेटर फिजिक्स, विल ट्राई टू वर्क इट आउट. बिकॉज तुम आंसर भी देते हो, तुम पढ़ते भी हो, तुम रिप्लाई भी करते हो, तो थिंग्स विल बी मच मोर ईजियर. Ridiculous. So when one says that the condition is isothermal, when I say that the condition is isothermal, isothermal का मतलब क्या? Temperature remaining constant, students. अभी ध्यान से सुना students. यहाँ पे न्यूटन ने गलती क्या की मालूम है? गलती ये की कि जब भी साउंड वेव्स गैसेस के अंदर ट्रैवल होते तो स्टूडेंट मुझे बताओ हाउ डू दे ट्रैवल? तो तुम क्या बोलोगे सर? इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेरिफैक्शन. कंप्रेशन रेरिफैक्शन बताया था ना लास्ट लेक्चर में, कॉलेज में आया था तभी. मोशन ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म की तरह. एंड स्टूडेंट्स अभी अगर सपोज मैं बात कर रहा हूँ और सपोज यही रूम के अंदर, मेरे घर के अंदर अगर कोई मुझे सुनता होगा तो हाउ द साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग? इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन. लेकिन न्यूटन ने क्या बोला मालूम है? ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, न्यूटन ने ये बोला कि कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन होते हैं लेकिन लेकिन कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इतने स्लोली होते हैं क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, which is a slow process. Yani compression takes a longer time, rarefaction also takes a longer time. Yani compression rarefaction ko agar time zyada lagta hai to there is enough time, students, enough time for the heat to move from the system into the surrounding
and there is enough time for the heat to enter from the surrounding into the system because the condition is isothermal. कुछ समझ में आया? Students, जब ये compression होगा तो मुझे बताओ क्या gas molecules दूर जाएंगे या gas molecules नजदीक आते हैं? हाँ students? नजदीक आते हैं. तो उनका kinetic energy कम हो गया, kinetic energy बढ़ेगा? दिल कोलाइड है ना, नजदीक आते तो दिल भी कोलिजन, उससे होगा क्या, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ स्टूडेंट्स, फॉर एवरी कंप्रेशन देयर इज राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी रेरिफैक्शन स्टूडेंट्स देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर. स्टूडेंट्स, कंप्रेशन होता है तो भी टेम्परेचर बढ़ता है, रिफ्रेक्शन होता है तो टेम्परेचर, यानी अगर कंप्रेशन स्लोली हुआ ना तो हीट सिस्टम में से बाहर जा सकती है, और अगर रिफ्रेक्शन को ज्यादा टाइम लगा तो हीट बाहर से अंदर भी आ सकती है, thereby keeping the temperature of the system constant. और वो क्यों हुआ, क्योंकि आइसोथर्मल था. ये न्यूटन का एक्सप्लेनेशन था स्टूडेंट्स. न्यूटन को पूछा गया कि भाई तेरा आंसर इससे मैच क्यों नहीं हो रहा है, तो उसने बोला कि भाई मैं आइसोथर्मल ले रहा हूं. तो उसको क्वेश्चन पूछा गया, भाई आइसोथर्मल ले रहा है तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन कैसे फॉर्म हो रहे हैं, डू दे फॉर्म सडन और दे आर फॉर्मिंग ग्रेजुअल, तो बोला कि नहीं, दे आर फॉर्मिंग ग्रेजुअली स्लोली. फिर उसको न्यूटन को पूछा गया क्वेश्चन, तो कंप्रेशन के टाइम पे हीट फॉर्म होगा तो विल द हीट विल स्टे इन टू द सिस्टम और द हीट विल गो आउट. तो तुरंत उसका ट्यूबलाइट हुआ, अरे हाँ यार, कंप्रेशन अगर धीरे से होगा तो हीट विल बी, देयर इज इनफ टाइम फॉर द हीट टू गो आउट, इट्स नॉट प्लेस्ड इन एन इंसुलेटर, एंड फॉर रिफ्रैक्शन देयर इज इनफ टाइम फॉर द हीट टू एंटर इनसाइड, सो द टेंपरेचर रिमेंस कांस्टेंट. लेकिन प्रोसेस तो स्लो हो गया, आइसोथर्मल हो गया, के आइसो हो गया, एंड के आइसो सिंपली पी, तभी जाके उसका वैल्यू गलत गया. ये गलती न्यूटन को किसने रियलाइज कराई स्टूडेंट्स, ये गलती किसने रियलाइज कराई न्यूटन को? लैपलेस ने. स्टूडेंट्स, लैपलेस ने फिर न्यूटन को करेक्ट करके बोला कि भाई कंप्रेशन रेरिफैक्शन फॉर्म होते हैं, जो तू बोला सही है, गैसेस के अंदर देयर आर कंप्रेशन रेरिफैक्शन, लेकिन कंप्रेशन रेरिफैक्शन धीरे से नहीं होते, देयर इज अ सडन प्रोसेस, इट्स अ सडन एंड फास्ट प्रोसेस. स्टूडेंट्स, कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट. अगर वो फास्ट प्रोसेस है स्टूडेंट्स, सो देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर द हीट टू गो इनटू द सराउंडिंग, नो टाइम फॉर द हीट टू एंटर फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द सिस्टम, थेरबाय द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट एंड देयरफॉर द कंडीशन इज नॉट आइसोथर्मल बट एडियाबैटिक. स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, हैव यू कम अक्रॉस द वर्ड एडियाबैटिक? केमिस्ट्री पढ़े हो ना, केमिस्ट्री में आंसर देते हो ना, अभी क्या हुआ? हाँ स्टूडेंट्स बोलो, व्हाट इज एडियाबैटिक? सडन एंड फास्ट. स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? तो लैपलेस ने न्यूटन को करेक्ट करते हुए ये ई बाय रो जो भी था फॉर्मूला, तो के आइसो के जगह पे लैपलेस ने क्या डाल दिया? के एडियाबैटिक डाल दिया, बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक अपॉन डेंसिटी, और के एडियाबैटिक को डाल दिया गामा पी बाय रो. इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स? कैन आई इरेज दिस मच? Can I erase this much? Just for me.
Shubham Acharya, are you there in the lecture, Shubham? Yes, sir. Okay. Can you tell me what is adiabatic means? Sujani, can you tell me what is adiabatic? Sujani? Sujani, are you there or not there? Sujani, can you tell me what is adiabatic? Sir, kya wapas bolo? एडियाबैटिक का मतलब क्या है? वेरी गुड शुभम. Riya, can I erase it now? Even Sujani is also not answering. She doesn't know. Yes, sir. Okay. दर्जी तो आ सकता है, फिर वो आना नहीं है. फ्रेंड्स, तुम लोग को है ना, आई डू फील लाइक दैट कि आई शुड मेक यू टू सेट इनटू ऑरेंज बैच, आई शुड मेक यू टू सेट इनटू द पर्पल बैच, आई शुड मेक यू टू सेट इनटू व्हाट यू कॉल फाउंडेशन बिल्डर 2GT बैच, आई शुड मेक यू टू सेट इनटू फाउंडेशन बिल्डर 21-23 के अंदर. दोस काइंड ऑफ बैचेस यहां पे लेता स्टूडेंट्स आर यू शुड सेट ओवर देयर एंड सी द अमाउंट ऑफ लाइवलीनेस एंड द आंसर्स व्हिच यू गेट इट. वहां पे स्टूडेंट्स लेक्चर 2 घंटे का कभी निकलता है पता ही नहीं चलता. स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि अरे शुरू और खत्म भी हो गया, और यहाँ पे तो 2 घंटे का लेक्चर भी 5 घंटा लग रहा है बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू ऑल हु डजंट नो व्हाट द हेल आर वी डूइंग. तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या चल रहा है लेक्चर में, कितना किया, क्या किया, कहाँ पे बोला गया, क्या कर रहे हैं. नथिंग इज नोन टू यू. दिस शोज दैट यू डोंट रीड योर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो. This is what I want to tell to your parents when I'm going to meet them. Each and every individual के सामने तुम्हारा पूरा चट्टा खोलूंगा मैं सामने तुम्हारे parents के सामने, देख लेना सारी तुम्हारी बातें बताऊंगा. What you'll do it in the lectures also and if you're not in the lectures also. और फिर marks कम आते हैं तभी you start crying and blame game. Blame करना शुरू कर दोगे कि किस वजह से हमें marks नहीं मिलते हैं. Difference formula for Newton, V is equal to under root E by rho. Okay, ये है Newton's formula. Solids के लिए V is equal to under root T by mu. ये as per gases के लिए Newton ने use किया V is equal to under root K iso by rho. Which is equal to under root P by rho
and this was nearly equal to 279.9 meter per second, which was not equal to 331.5 meter per second. But Laplace corrected Newton and said that V is equal to, now it's not K iso, but it's K adiabatic by rho. Students, adiabatic ka matlab, adiabatic process is a process, students, in which the internal energy of the system remains constant. An adiabatic process is a sudden and fast process. Students, लैपलेस ने न्यूटन को एक्सप्लेन किया कि क्या क्या गाड़ी अगर न्यूटन बनाएगा. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अगर अगर न्यूटन ने स्टीम इंजन बनाया तो उसमें जो गैस कंप्रेस होगा पिस्टन से, तो क्या पिस्टन धीरे जाना चाहिए और धीरे बाहर आना चाहिए, तो व्हील तो मूव ही नहीं करेगा. समझ में आ रहा है? अगर there is enough time for the internal heat energy to move out and outside energy, then that means it will not go under proper expansion and contraction. तो wheel move ही नहीं करेगा. Students, जब भी देखो, तुमने steam engine देखो, तुमने petrol engine देखी है, तुमने diesel engine देखी है, जब भी तुम गाड़ियाँ देखते हो, गाड़ियाँ इतना भागती है, तो students, have you seen how much is a pump? The piston moving so fast, compression, refraction takes place so fast. यानी the process is sudden and fast. वो एडियाबैटिक प्रोसेस है. और ये सारे केमिस्ट्री में पढ़ा है स्टूडेंट्स. अगर केमिस्ट्री में एक सिंपल कंसेप्ट में दे रहा हूँ, अगर मैंने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का मैंने ग्राफ दे दिया स्टूडेंट्स, एक ग्राफ मैंने ऐसा दिया और दूसरा ग्राफ मैंने ऐसा दिया स्टूडेंट्स, मुझे बताओ कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक के लिए, कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल के लिए स्टूडेंट्स? Students, for a given pressure, see the change in volume. Second के लिए drastic change है, first के लिए कम है. Students, ये graphs किए कि नहीं किए? Ria, can you tell me, have you done Boyle's law? हाँ, Ria. Yes, sir. Have you done PV is equal to nRT? Have you done the graph of pressure versus volume? Yes. हाँ. तो ऐसे ग्राफ नहीं किए केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में आंसर्स देते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं, कीर्तन करते हैं, वहां पे भी आंसर्स देते हैं. यानी कौन से आंसर्स देते हैं? कांट यू सी ओवर हियर कि ये पहला वाला ग्रेजुअल प्रोसेस है, सेकंड वाला सडन एंड फास्ट प्रोसेस है. देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन वॉल्यूम टू कंसीडर. इसको हम बोलते हैं सडन और फास्ट. स्टूडेंट्स जब भी अगर गैसेस के अंदर साउंड वेव्स को मूव करना स्टूडेंट्स, तो इट विल गो विद अ वेरी फास्ट, तभी जाके तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी ना. तो क्या क्या मतलब है? लैपलेस ने न्यूटन को करेक्ट कर दिया और उसने बोला के डिवाइडेड का फॉर्मूला क्या होगा जाएगा स्टूडेंट्स. तो ये जो पी था ना, इसको उन्होंने लिखा है गामा पी बाय रो. अब ये जो गामा है, इसको क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया लैपलेस करेक्शन. और ये है क्या गामा? यह गामा क्या है? इट्स अ रेशियो ऑफ मोलार स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलार स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वॉल्यूम. स्टूडेंट्स क्या ये सीपी और सीवी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ. स्टूडेंट्स सीपी और सीवी पढ़ा है या नहीं पढ़ा? कैन यू टेल मी? मोलार स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलार स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर मैंने बोला कि साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग टू गैसेस, तो गैसेस का मतलब क्या हुआ? डायटॉमिक.
द वैल्यू ऑफ गामा इज 1.4। गामा की वैल्यू क्या है? 1.4। अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड लू अंडर रूट गामा की वैल्यू 1.4 डाल दू, पीक पी जो पहले वाला पी मैंने लिया था स्टूडेंट्स, पी पहले वाला पी लिया था, पी इज व्हाट स्टूडेंट्स, पी इज एच रो जी 0.76, 13,600 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 1.293। Students, your answer of velocity of sound will be nearly equal to 332 meter per second. Students, ये answer almost तुम्हें 332 के नजदीक मिलेगा। देखो ये आंसर, देखो इससे मैच हो रहा है कि नहीं, एक्सपेरिमेंटल से मैच हो रहा है कि नहीं। मैं सॉल्व करना स्टूडेंट्स लेक्चर के बाद में, लेक्चर के बाद में अगर तुम्हें लॉग्स आता है स्टूडेंट्स तो लॉग से सॉल्व करो, या कैलकुलेटर यूज करने आता है तो कैलकुलेटर से यूज करके देखना। 1.4, 0.76, 13,600 × 9.8 ये पूरा मल्टीप्लीकेशन करके पेपर में लिखना, फिर डिवाइड बाई 1.293 करना, उसका आंसर पेपर में लिखना, फिर उसका रूट निकालना, देखो तुम्हारा आंसर ये आएगा which is closer to it. Students, जब भी पहले 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 न्यूटन ने P लिखा था तो आंसर मैच नहीं कर रहा था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, लेकिन जब भी लैपलेस ने तुरंत बोला कि प्रोसेस तो बहुत फास्ट होना चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए भाई, और उसने एक वेरिएबल गामा डाल दिया, गामा क्या है? लैपलेस करेक्शन है, डायटोमिक इट्स अ रेशियो ऑफ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस व्हिच इज 1.4, उसका आंसर मैच हो गया। समझ में आ रहा है? इससे कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन गैसेस इज नो मोर पी बाय रो, बट इट इज गामा पी बाय रो, इट इज नो मोर के आइसोथर्मल, इट इज के एडियाबैटिक। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स मैंने कुछ पूछा, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स?